नमस्कार, ये है धर्म दरबार और मैं हूँ आपके साथ रुचि पांडे। भारत चमत्कारिक मंदिरों से भरपूर है। भारत में जिस प्रकार मंदिरों की विभिन्नता है, उसी प्रकार मंदिरों की चमत्कारिक शक्तियां भी भिन्न हैं। और ऐसी ही भिन्न भिन्न शक्तियों और रहस्यों से भरपूर मंदिर है तिरुपति बालाजी का मंदिर। तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर के रहस्यों और चमत्कारों का असर ही है जो हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं। आज हम आपको तिरुपति के 10 रहस्यों से आपका परिचय करवाएंगे, जिसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। मंदिर का सबसे बड़ा और सबसे पहला रहस्य ये है, भगवान वेंकटेश्वर के सर के बाल। मान्यता है कि भगवान के सर के बाल एकदम असली हैं। वे बाल हमेशा बिना किसी संरक्षण और रखरखाव के मुलायम रहते हैं। इसके पीछे मान्यता है कि भगवान स्वयं यहाँ वास करते हैं। भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बीच रहस्य का पात्र बनी हुई है। तिरुमाला की पहाड़ियों पर बना यह मंदिर एक बहुत ठंडे क्षेत्र में स्थित है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ भगवान की मूर्ति पर पसीना देखा जाता है। आज तक पुजारी भी इस रहस्य को सुलझा नहीं पाए हैं। वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति से आती समुद्री लहरों की आवाज। जो लोग भगवान बालाजी के दर्शन करके आ चुके हैं, वे बताते हैं कि मूर्ति पर अगर कान लगाकर सुनो तो समुद्र की लहरों की आवाज आती है, मानो समुद्र की लहरें उठ रही हो। चौथा रहस्य, मंदिर में मुख्य द्वार के दाईं ओर रखी एक छड़ी भी मंदिर की रहस्यमयी मानी जाती है। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर जब छोटे थे तब उन्हें इसी छड़ी से मारा गया था, जिस कारण इस छड़ी को संभाल कर याद के रूप में रखा गया है। पांचवा रहस्य, भगवान की ठुड्डी पर लगाए जाने वाले चंदन के पीछे एक कहानी प्रचलित है कि बचपन में उन्हें उस छड़ी से ठुड्डी पर चोट लग गई थी, जिसके कारण भगवान को प्रत्येक शुक्रवार को उनकी ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि चोट को ठीक किया जा सके। छठा रहस्य, अब जानिए इस मंदिर के सबसे रहस्यमयी बात। तिरुपति बालाजी में एक दिया ऐसा है जो बिना किसी ईंधन, बिना किसी पदार्थ की सहायता से हमेशा जल रहा है। दिए को मंदिर में किसने जलाया, कब से ये जल रहा है, इसके बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं है। सातवां रहस्य, भगवान का स्थान। भगवान का स्थान यहाँ पर रहस्य का पात्र है। मंदिर में गर्भगृह में बनी मूर्ति जो वाकई मध्य में स्थित है, लेकिन यदि कोई मंदिर के बाहर से देखता है तो उसे मूर्ति गर्भगृह के दाईं ओर दिखती है। आठवां रहस्य, भगवान की मूर्ति पर लगने वाला खास तरह का पचाई कपूर। पचाई कपूर भी श्रद्धालुओं को बहुत अचंभे में डाल देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर पचाई कपूर को किसी भी पत्थर पर रखें तो वो चिटक जाता है, लेकिन हैरानी की बात है, भगवान की मूर्ति पर पचाई कपूर से लेपन किया जाता है पर आज तक मूर्ति एकदम सुरक्षित है। नौवां रहस्य, ऐसी मान्यता है कि भगवान की मूर्ति में माँ लक्ष्मी भी विराजमान है। जब भगवान का श्रृंगार करने के लिए उनका चंदन से लेपन किया जाता है तब उनके हृदय पर लगे चंदन को जब उतारा जाता है तब उसमें माँ लक्ष्मी की प्रतिमा साफ नजर आती है, जो बेहद हैरान कर देने वाला रहस्य है। दसवां और अंतिम रहस्य, तिरुपति बालाजी का श्रृंगार भी बेहद अनोखी तरह से किया जाता है। बालाजी महाराज के श्रृंगार में नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वेंकटेश्वर के भीतर ही माँ लक्ष्मी समाई है। तो ये तो थे भगवान बालाजी से जुड़े अद्भुत रहस्य, जिनकी सत्यता का अगर दावा नहीं किया जा सकता तो इनको झुठलाया भी नहीं जा सकता। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि हम ऐसी ही वीडियो आप तक दोबारा पहुंचा सके। अभी मैं लेती हूँ आपसे विदा, फिर जुड़ूंगी आपके साथ दूसरी धार्मिक जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल मीडिया दरबार के साथ। धन्यवाद।